अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। देखो मैं आपको फोटो बता रहा हूँ, फोटो दिखाओ। कल से बन गया है ना गाली भाषा बहन का रहने वाला जिसे तो तत्काल मांगे खाने कर। मजदूरी पे चली जाती हूँ, ये दिन भर घूमते हैं, फिर शाम को फिर ढूंढती फिरती हूँ। आया हूँ तो ये देखिए, दिख रहा जो बीच में अच्छे से देखे दीदी, आप भी देख लीजिए। ये देख रहे छोटा बच्चा है, ये ब्लू कपड़े में बैठा है ना, ये दिखा बेटा इधर उधर घूमते हैं कॉलोनी में। नाम है आपका और कैसे आपका बच्चा घूम हुआ? कल से हम ड्यूटी गए थे, हाँ? तो हमारे लड़का, हम ड्यूटी से आए, हमें बच्चा नहीं मिला, तो हम सर पे जब से पुलिस लगी। कितने साल का बेटा आपका? 5 साल। क्या नाम है उसका? आसान। कौन सी कंपनी में काम करते हैं? तो आप जब शाम को घर आए, जब बच्चा नहीं मिला, हाँ, कितने बालक है आपके? 2। कुछ मालूम पड़ा आसपास से कहाँ गया होगा? नहीं मालूम। और कौन रहता है आपके साथ में? कोई भी नहीं रहता। आपके पति कहाँ रहते हैं? पति आजकल ऐसा है। क्या लगता है आपको कौन ले गया होगा आपके बालक को? कल सुबह कितने बजे तक था? 9 बजे तक। जब शाम को आपने आके देखा, जब नहीं मिला, कहाँ रहते हैं आप अभी? किराए का मकान है। कब से रह रहे हैं आप? पहले भी कभी गया है यहाँ सर? नहीं गया सर। क्या नाम था आपके बालक का? अरसान। पढ़ाई करता है? कौन सी क्लास में? क्या उम्र है उसकी? ठीक है, आपका नाम? कल थाना रात्रि में 10:30 बजे के लगभग थाना औद्योगिक क्षेत्र में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें ऐसा बताया गया कि एक महिला है जो 2 अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रहती हैं, एक बालक 8 साल का है, एक 5 साल का है, और उनको छोड़ के वो अपना काम के लिए जाती हैं। जब वो काम के यहाँ लौटी तो फिर जो बड़ा लड़का है 8 साल का, उसने बताया कि 5 साल का जो उसका भाई है, उसको एक बुजुर्ग से दिखने वाले व्यक्ति दंपत्ति उन्होंने कपड़ा खरीदने के लिए लेके और माँ के पास ले जाने की बात कही थी और उसके साथ ले गए हैं। लेकिन जब माँ आई तो उनको पता चला कि ऐसा कोई व्यक्ति को नहीं जानती है, नहीं उन्होंने भेजा है। तो घटना को संज्ञान में लेते हुए इसमें प्रकरण दर्ज किया गया है, साथ साथ इसमें 4 टीमें लगाई गई, जिसमें थाना औद्योगिक क्षेत्र कोतवाली की टीमें लगातार काम कर रही हैं CSP के नेतृत्व में। तो इसमें जो आसपास के लोग हैं उनसे भी जानकारी ली जा रही है। जो बालक है, चूँकि उसी ने आखिरी में देखा है, उससे भी बातचीत की जा रही है। कई बार उसकी बातें बदल भी रही हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से अपनी टीम लगी हुई है इसमें। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द हम बच्चे का पता लगाएं।